नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेलवे स्टडी चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि रेलवे में कहीं पे रेलवे स्टेशन लिखा होता है, कभी कहीं पे जंक्शन लिखा होता है, कभी सेंट्रल, कभी कहीं पे टर्मिनल्स लिखा होता है। तो इन स्टेशनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई साहब, जो टर्मिनल्स लिखे होता है जो भी स्टेशन पे, तो उसका क्या मतलब होता है। जैसे कि इसमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनल लिखा हुआ है, तो टर्मिनल वो स्टेशन होता है जहाँ पे ट्रेन आती है पर आके उसी रूट पे वापस जाना पड़ता है, क्योंकि आगे कोई अलग से रास्ता नहीं होता। यानी वो उसका उस ट्रैक का लास्ट स्टेशन होता है और उससे आगे कोई ट्रेन जाती नहीं है। तो ऐसे स्टेशन को क्या है ना, टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। तो इंडिया में सबसे बड़ा जो बिगेस्ट टर्मिनल स्टेशन है वह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स है। इसके अलावा भी कुछ टर्मिनल स्टेशन्स के नाम हम आपको बताएंगे, जैसे बांद्रा टर्मिनल है, हावड़ा टर्मिनल है, भावनगर टर्मिनल है और कोचिन टर्मिनल है। ये कुछ टर्मिनल स्टेशनों के नाम हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद बात करेंगे कि हम जंक्शन क्या होता है। तो जंक्शन ऐसा स्टेशन होता है जहाँ पे मिनिमम 3 लाइन होती हैं। यानी एक रास्ते से आप आ रहे हो तो आप दो रूट से आप जाने का जो रास्ता होगा वो कम से कम 2 रूट होगा। तो हमने ये मथुरा जंक्शन का एक यह पिक लिया है, क्योंकि क्या है कि मथुरा जंक्शन क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा जंक्शन है, क्योंकि इस पर 7 रूट इस स्टेशन पे हैं। 7 रूट से ट्रेन आ और जा सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इससे जो छोटा है वह 6 रूट वाला जो एक जंक्शन है वह सेलम जंक्शन है। इसके अलावा 5 रूट वाले जंक्शन की बात करेंगे तो विजयवाड़ा है, बरेली है, ये 5 रूट वाले जंक्शन है। इसके बाद बात करेंगे सेंट्रल जहाँ पे लिखा रहता है, उसमें एक्चुअली क्या होता है कि एक काफ़ी बड़ा शहर होता है, उसमें काफ़ी सारे स्टेशन होते हैं, जिसमें से सबसे जो ओल्डेस्ट और सबसे बिजी जो स्टेशन होता है उसको सेंट्रल के नाम दे दिया जाता है, और जिसमें काफ़ी सारे आपको जो स्टेशन मिल जाएंगे। सब जैसे त्रिवेंद्रम सेंट्रल है, इंडिया में 5 ही ऐसे स्टेशन हैं जो सेंट्रल के नाम से जाने जाते हैं, जैसे त्रिवेंद्रम सेंट्रल है, मुंबई सेंट्रल है, कानपुर सेंट्रल है, मैंगलोर सेंट्रल है और चेन्नई सेंट्रल। इसके बाद बात करेंगे कि जो स्टेशन होता है वो क्या होता है। स्टेशन पे क्या होता है, एक इनकमिंग ट्रेन का जो एक सिंपल रास्ता होता है जिसमें ट्रेन आती है, रुकती है और नेक्स्ट आगे चली जाती है। उस पे कोई अलग से रूट नहीं होता, एक लाइन आने के लिए होती है, एक लाइन जाने के लिए होती है। जैसे ये ऐसे स्टेशन पे कहीं पे तो केवल स्टेशन का नाम लिखा होता है, स्टेशन भी केवल आपको बाहर के नेम बोर्ड पे मिलेगा कि भाई जैसे उदगीर रेलवे स्टेशन। तो ऐसे ये केवल ऐसे बाहर नाम लिखा रहता है। तो ये इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या टर्मिनल्स स्टेशन कैसे होते हैं, जंक्शन कैसे होते हैं, सेंट्रल कैसे होते हैं और नॉर्मली स्टेशन कैसे होते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।